चिकन पकोड़े नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये रेसिपी हम सिर्फ 2 मिनट में ही बना सकते हैं। सबसे पहले 3 ब्रेड स्लाइसेस ले लेंगे और इस पर थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। ब्रेड से पानी को अलग कर दें। ये पकोड़े एक बार बनाएंगे टेस्ट को नहीं भूल पाएंगे। पानी सारा ब्रेड से निकल चुका है। इसमें जाएगा चिकन कीमा 1/2 कप, प्याज, धनिया पत्ता, नमक, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, आप इसके जगह पर पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्च आटा आप अपने हिसाब से ऐड कर दें। धनिया पाउडर, कॉर्नफ्लावर, चिली फ्लेक्स। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें और छोटे छोटे बॉल्स बना लें। आपको जो शेप चाहे वो शेप में बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है, तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका था तो मैंने इसमें एक 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 ऐड कर दिया। इसे एक साइड में 5 मिनट तक पकाना है। पांच मिनट होने के बाद हम इसको पलट देंगे। फिर से 5 मिनट पकाएंगे। देखिए पूरी तरह से पक चुके हैं और खाने के लिए रेडी हो चुके हैं। हम इसे सॉस के साथ खाएंगे। ये बहुत मज़ेदार के लगते हैं। ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ये बनाना बहुत आसान है।